सो गाइस फिलहाल मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ, यानी वीवो का। ये वीवो V23 स्मार्टफोन होने वाला ना, जो वीवो की वी जो 23 सीरीज़ है उसमें आपको देखने लिए मिल रहा है। तो ये काफ़ी इंडियन मार्केट में काफ़ी सारे लोगों की यानी मेन प्रायोरिटी बन चुकी है, यानी उनको बाय करना है तो यही स्मार्टफोन बाय करना है। एंड ये किन किन पॉइंटों में आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, एंड यहाँ पर आपको इसे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर आइडिया प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे आपको इस वीडियो देखने के बाद और दूसरा वीडियो देखने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ने वाली, एंड यहाँ पर आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। चैनल पर आप अगर न्यू हो तो जल्दी से आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर दें एंड लाइक जरूर से कर दें, बिकॉज गाइस ऐसे हेल्पफुल कॉन्टेंट वीडियो आपके डेस्क पर यहाँ पर आपके लिए मिलते रहते हैं। तो बिना कोई देर के गाइस अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि गाइस आपको यहाँ पर मालूम है कि वीवो V23 Pro आपको बाय करना है ना, जहाँ पर गाइस सबसे पहले रीजन की बात करूँ ना, तो गाइस इसे बाय करने का 5G, यस इसे ये आपको 5G रेडी स्मार्टफोन देखने लिए मिलता है। इवन गाइस यहाँ पर आपको 7 बैंड 5G का सपोर्ट देखने लिए मिल जाता है, जो कि फ्यूचर में इसे यानी फ्यूचर रेडी 5G स्मार्टफोन बनाने के लिए काफ़ी हैं। इवन गाइस जो 7 बैंड जो 5G बैंड है इनमें से कोई सा तो सपोर्ट करेगा, तो वीवो ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट देखने लिए मिल जाता है क्लियर। 5G के नाम पर अगर कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो यह आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। 5G अगर आपको कोई स्मार्टफोन चाहिए वीवो का, तो वीवो V23 5G की तरफ आप देख सकते हैं। नंबर 2 पर आने वाले रीजन की बात करें ना, तो गाइस आपको यहाँ पर डिस्प्ले, यस आपको यहाँ पर 6.44 इंच का आपको यहाँ पर फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले देखने लिए मिल जाता है। रिफ्रेश रेट 90Hz का रिफ्रेश रेट, एंड यहाँ पर ये फ्लैट देखने लिए मिलता है। वीवो V23 Pro 5G तो आपको यहाँ पर कवर डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा था, एंड वीवो V23 Pro 5G के ऊपर अब मैंने डिटेल से वीडियो बना रखा है, तो उसको भी आप चैनल से चेकआउट कर सकते हैं, एंड यहाँ पर आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि हमारे लिए वो बेटर चॉइस हो सकता है या नहीं हो सकता है, या हमें इसकी तरफ देखना चाहिए, तो उस वीडियो को भी आप चैनल से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर 6.44 इंच का आपको यहाँ पर वीवो V23 5G में आपको यहाँ डिस्प्ले देखने लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको AMOLED देखने लिए मिलेगा इसका डिस्प्ले, 90Hz की रिफ्रेश रेट दोनों में सेम देखने लिए मिलेगी, फ्लैट डिस्प्ले देखने लिए मिलेगा, यानी आपको यहाँ पर कवर डिस्प्ले नहीं देखने लिए मिलेगा। बट गाइस इतनी बेटर डिस्प्ले होने के बावजूद आपको यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले में आपको यहाँ पर आईफोन 13 जो सीरीज है ना उसकी तरह आपको यहाँ पर नोज देखने लिए मिलती है। नोज से अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप डेफिनेटली इसी स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो, आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। एंड गाइस उसका रीज़न भी बता दूँ इतनी बड़ी नोज देने का वीवो की तरफ से, बिकॉज यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का आपका प्राइमरी कैमरा, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है वीवो ने, वो एक साथ इसमें ऐड किए हैं, इसी रीज़न से यहाँ पर आपको जो नोज है वो प्रोवाइड की है। चलेगा इसे मैं और परफॉर्मेंस की बात लेते हैं, तो गाइस परफॉर्मेंस के लिए आ गया इसे आपको यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पर डायमेंसिटी की तरफ से आपको यहाँ पर 920G का 5G प्रोसेसर देखने लिए मिलता है, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, एंड ये आपको डे टू डे लाइफ में अच्छा खासा परफॉर्म करेगा 5G, तो जैसा कि आपको यहाँ पर मिल रहा है। एंड चलेगा इस, अब कैमरा की तरफ मूव करते हैं ना, तो कैमरा की तरफ आपको यहाँ पर बेस्ट कैमरा देखने लिए मिल जाते हैं, यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर प्राइमरी कैमरा देखने लिए मिलता है, उसके साथ गाइस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने लिए मिल जाता है। अच्छी खासी यहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लोगे, एंड यहाँ पर आपको कैमरा है ना वो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा देखने लिए मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पर मैंने बता दिया 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, एंड 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने लिए मिलेगा, ये 2 आपको जो कैमरा देखने लिए मिले हैं, एंड यहाँ पर आपको अच्छी खासी यहाँ पर आप वीडियो शूट कर सकते हो फ्रंट से एंड जो रियर से। अगर आपको यहाँ पर कैमरा के लिए कोई स्मार्टफोन चाहिए ना, अगर आपका बजट यानी आपका 30,000 रुपये के अप्रोक्स है, तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ मूव कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। उसके साथ गाइस आप यहाँ पर बात कर लेते हैं, फ्रंट में आपको यहाँ पर 2 कॉर्नर में आपको यहाँ पर ड्यूअल LED फ्लैश लाइट देखने लिए मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर नाइट में इमेज लेने के लिए काफ़ी आपको यहाँ पर जो अलग ही लुक है वो प्रोवाइड करती है सेल्फी का। चलेगा इस, अब यहाँ पर बैटरी लाइफ की बात कर लेते हैं ना, तो गाइस बैटरी लाइफ के अंदर आपको यहाँ पर 4200 mAh की बैटरी देखने लिए मिल जाती है, उसके साथ गाइस यहाँ पर आपको 44W का सेम आपको दोनों में एक साथ चार्जर देखने मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट आपको ऑब्वियसली देखने लें मिल जाता है, उसके साथ गाइस अदर सेंसर आपको इसमें ऑल सेंसर का सपोर्ट देखने लिए मिलेगा। गाइस बॉक्स में आपको क्या क्या देखने लिए मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको वीवो V23 आपको स्मार्टफोन देखने लिए मिलेगा, उसके साथ साइड में सिम रिजेक्टर टूल पिन देखने लिए मिलेगा, ईयरफोन देखने मिलेंगे, एंड यहाँ पर आपको 44W का चार्जर USB टाइप A to Type-C का आपको यहाँ पर केबल देखने लिए मिलेगा। एंड गाइस ये आपको 2 वेरियंट में देखने लिए मिल जाता है, 8GB 128GB 8GB 256GB, एंड अगर आपको ये स्मार्टफोन बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, बेस्ट बाइंग ऑफर के साथ आप इसे डिस्क्रिप्शन से आकर आप इसे अमेजोन से बाय
कर सकते हो। गाइस प्राइस पॉइंट की बात लें तो गाइस 8GB प्लस 128GB का प्राइस 30,000 रुपये एंड यहाँ पर 8GB 256GB का प्राइस आपको यहाँ पर जो 35,000 रुपये की समथिंग आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताना कि क्या आप इस प्राइस रेंज में इसे एक बाय करना कंसिडर करोगे या नहीं करोगे। मेरी पूछो तो गाइस आपको ये अगर ऑफर में यानी 8GB 256GB वाला स्मार्टफोन 30,000 रुपये से नीचे मिल जाता है ना, तो आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो, बेस्ट चॉइस हो सकती है। इवन गाइस यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड का लगाने का स्लॉट नहीं देखने के लिए मिलता, आपको जो स्टोरेज प्रोवाइड किया जा रहा है ना उसमें आपको यहाँ पर काम चलाना पड़ेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर दें, लाइक जरूर करते हैं। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट वीडियो आपके डेस्क पर यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। एंड गाइस मैं मिलता हूँ और फ्रेश वीडियो में, तब तक लिखा ऑलवेज स्माइल।